गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीति कोहली विल बी एक्सप्लेन थीम 3, किंगशिप कास्ट एंड क्लास अर्ली सोसाइटीज़। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अर्ली सोसाइटीज़ डेवलप हुई और उनका क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजमेंट था, किस तरह से उनकी लाइफ इफेक्ट हुई। इन दिस चैप्टर वी हैव फोकसिंग ऑन द महाभारता। Now we take our topic, the critical edition of the Mahabharata. One of the most ambitious project of scholarship began in 1919 under the leadership of a noted Indian Sanskrit V.S. Uttarakhand. सबसे ज़्यादा मोस्ट महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट जो कि एक विद्वान के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1919 में, जिनकी लीडरशिप की थी संस्कृत के विद्वान V.S. उत्तानकर ने। इन्होंने अपनी टीम के द्वारा अपने विद्वानों को लेकर एक इन्होंने एक टास्क सौंपा कि जो क्रिटिकल एडिशन है महाभारत का, उसको प्रिपेयर किया जाए, उसको क्रिटिकल या उसकी आलोचनात्मक उसका विवरण दिया जाए। और इस टीम के साथ उन्होंने वर्क करने के बाद ये मेथड, उनका जो कंपेयरिंग मेथड था वो हर एक मानुस्क्रिप्ट में भी दिया गया है। अल्टीमेटली दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन एंड पब्लिश दीज इन सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस। अब इन्होंने जो ये क्रिटिकल वॉल्यूम तैयार किया तो उन्होंने देखा कि दुर्भाग्य से कि जो इसको अपीयर्ड किया गया था, इसके जो वर्जन थे पब्लिश हुए थे वो बहुत सारे डिफरेंट वॉल्यूम से पब्लिश हुए थे, लगभग 13,000 पेजेस थे इसके। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 47 इयर्स लगे थे। टू थिंग्स बिकेम अपारेंट, देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट इन द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी एविडेंट इन मैनुस्क्रिप्ट फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इस तरह से इन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट में इसके बारे में, इसके जो एलिमेंट्स थे, जितने भी इसकी वर्जन स्टोरीज थी, उन सबको जानने की कोशिश की। और इसमें जो भी वेरिएशन आई इस डॉक्यूमेंट को करने में, वो भी उन्होंने इस टेक्स्ट के बारे में जानने की कोशिश की। और इस सेंस में इन्होंने इस वेरिएशन में ये रिफ्लेक्ट किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और दैट शेप्स अर्ली एंड लेटर सोशल हिस्टोरियन थ्रू डायलॉग्स बिटवीन डोमिनेंट ट्रेडिशन एंड रेसिलेंट लोकल आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस। इस तरह से उस टाइम पर जो भी लोकल आइडियाज और प्रैक्टिसेस थी उन सबको ध्यान में रखकर ये डायलॉग्स तैयार किए गए। और इनको जो करेक्टराइज किया गया वो उनके जो भी उस टाइम के मोमेंट थे कॉन्फ्लिक्ट के, वो सभी को इसमें तैयार किया गया। इस तरह से इस टेक्स्ट के द्वारा 20th सेंचुरी में जितने भी हो 19th और 20th सेंचुरी में जो फर्स्ट हिस्टोरियन थे उन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर किया, इसका और ज़्यादा वर्णन किया। परिणाम स्वरूप ये निकला कि जितने भी स्कॉलर्स थे उस टाइम पर जो भी इस ट्रेडिशन को पढ़ रहे थे, उन्होंने सभी पर वर्क किया। पाली संस्कृत, पाली प्राकृत और तमिल, पाली प्राकृत और तमिल तीनों ही वर्क में, भाषाओं में इन्होंने वर्कआउट किया। दीज स्टडी इंडिकेटेड दैट द आइडियाज कंटेंट इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज एज ऑथरेटिव। इस तरह से उन्होंने जितना भी इसके ऊपर स्टडी किया तो वो सारा जो नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट के ऊपर इन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया या उसके बारे में जानने की कोशिश की। देवर ऑल्सो क्वेश्चन एंड ओकेजनली इवन रिजेक्टेड, कई बार उनके ऊपर क्वेश्चन भी किया जाता था, उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियन रिकन्स्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्रीज। इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये हम सबको अपने माइंड में रखना होगा कि किस तरह से हिस्टोरियंस ने इसको एग्जामिन किया और इसको दोबारा से इस सोशल या सामाजिक इतिहास को रिकन्स्ट्रक्ट या इसको पुनर्निर्माण करने की कोशिश की।